ये नोट है 6-7 हज़ार रुपया, और ये सब मिक्स है, आड़े टेढ़े लगे हुए हैं। इनको सिंपल तरीका बताओ सीरियल से लगाने का। जो भी छोटा नोट रहे उसको नीचे खिसकाते रहो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारे नोट ना ऑटोमेटिक सीरियल में आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस सही से आपको घुमाते रहना है हर नोट को। ये ट्रिक जब काम आती है, जब आप भीड़ भाड़ में पैसे गिन रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो या अनजान लोग हो आसपास में, तो लोग इन पैसों को इकट्ठा करने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो आपके पास आड़े टेढ़े नोट जो है आगे पीछे लगे हुए हैं, उन सबको एक ही साथ पकड़ के, और जो बड़े बड़े नोट है उन्हें पहले कलेक्ट कर लो, और जो छोटे आते रहे उन्हें नीचे शिफ्ट करते रहो। एक टाइम आ जाएगा तो सारे नोट जो है सीरियल से लग जाएंगे। अभी तैयार हो चुका हूँ, टाइम हो रहा है 10:30, और अभी मेरे को निकलना है क्योंकि पहुँचते पहुँचते ऑफिस में लग जाता है मेरे को 1.25 से 1 घंटा। आज सैटरडे, हो सके ट्रैफिक ना मिले तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो फटाफट से निकलते हैं अभी। आज मैं ऑफिस गया हुआ था मेडिसिन डिलीवरी करने के लिए, तो मैं आ चुका हूँ क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा हवा, तो हवा की वजह से बाहर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर सर आ रही थी वीडियो में, आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैं ऑफिस पहुँच गया था आज 11:30 बजे। 11:30 बजे के बाद मुझे 12:15 बजे तक रूट मिल गया। 10 पैकेट मिले थे, 2 पिकअप थे और 8 डिलीवर थे, तो वो करके मैं सीधा आ गया घर पे, क्योंकि मुझे 7 बजे तक रुकना होता है। तो आंधी तूफान में कहाँ ही रुके, बीच के टाइम में तो मैं वैसे ब्लॉग बना लेता हूँ, तो आज तूफान ज़्यादा था तो धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो इस वजह से मैं आ गया हूँ घर। अभी बजे हुए हैं 3:30, 3:30 से लेके 6:30 बजे तक 3 घंटे मैं करूँगा यहीं पे रेस्ट, और उसके बाद में मैं निकलूँगा वापस से फिर ऑफिस की तरफ, क्योंकि सैटरडे है तो सैटरडे में ट्रैफिक व्रैफिक ज़्यादा होता नहीं है। तो इसी वजह से मेरे घर से जो ऑफिस है वो 25 किलोमीटर दूर है, तो आप देख लो जाने में जो है आधा घंटा 1.25 घंटा तो लग ही जाता है। फिर उसके बाद में सेकेंड रूट को कम्प्लीट करके और फिर मैं पहुँचूँगा वापस से घर। तो आज देखते हैं सेकंड रूट में क्या क्या होता है। मॉर्निंग के रूट में तो ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई क्योंकि सैटरडे था, सैटरडे को ऑफिशियली लोग घर पे रहते हैं तो कॉल वॉल का रिस्पॉन्स करते हैं और काम आसानी से हो जाता है। बाकी दिन जो है दिक्कत परेशानी आती है। तो अभी मैं सोने की तैयारी में हूँ, पूजा बना रही है पास्ता, तो पास्ता खाने के बाद मैं सो जाऊँगा, 2-2.5 घंटे सोने के बाद उठूँगा। तो मिलते हैं इवनिंग में। फाइनली फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 6:30 और अभी मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ ऑफिस, लेकिन तूफान है ना बहुत भयंकर चल रहा है, और ये दो तूफान मेरी ज़िंदगी में, और बाहर देखो तूफान, मैं आपको दिखाता हूँ कितने तेज चल रहा है। ये देखो पर्दे उड़ते हुए, पेड़ पौधे, कैसे अब कैसे तूफान में कैसे जाएँ, लेकिन क्या करें, मेडिसिन का काम है तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो जाना ही पड़ेगा, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो अभी शायद सीधे निकल रहा हूँ, 6:30 हो रहे पहुँचने में, इतनी तेज़ हवा में तो बाइक ज़्यादा तेज चलेगी नहीं, साइड में भाग जाती है, तो 1 घंटा पहले निकल जाते हैं। फाइनली आज का मेरा सेकंड राउंड हो चुका है कंप्लीट। वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं आज ये बहुत ज़्यादा हवा चल रही है उस वजह से साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अभी मैं हूँ 37C में और होम्स टावर नंबर 25, लास्ट ऑर्डर बचा हुआ, टाइम बजे हुए हैं 10:30 रात के। तो फाइनली आज का मेरा जो है लास्ट ऑर्डर हो चुका है डिलीवर, और फिर से वही मेरे को जो डिस्टेंस बचा है घर का वो बचा है 14 किलोमीटर, तो जाने में मेरे को लग जाएगा 20 से 25 मिनट, अगर रेलवे फाटक बंद नहीं मिला तो। अगर बंद मिला तो मान लो कितना टाइम लग जाए कुछ कह नहीं सकते। यहाँ देखो कटिंग चल रही है पनी।
तो चलते हैं सीधा घर। सोसाइटियों में बिल्कुल हवा नहीं लगती, लेकिन फिर भी देखो ये सोसाइटी में 25वां टावर है, उसके बावजूद भी यहाँ कितनी हवा तेज लग रही है। तो फाइनली फ्रेंड्स घर पहुंच चुका हूँ, 11 बज चुके हैं, बच्चे देखो पैं पैं कर रहे हैं अभी भी जगे हुए रात के 11 बजे। हाँ चीजी, दोपहर लाया था ना, ये देखो तो पानी की बोतल के लिए लड़ाई हो रही, दूसरी है ना बोतल उसमें, और तो अभी तो दे दो, कल नहीं होगा युद्ध दिन में। अरे तो अभी तो देना इनको निकाल के, इन दोनों को जो भी चाहिए ना अलग अलग चाहिए, और एक रह जाए कोई भी चीज तो लड़ाई होने लग जाती है। देखो पानी की बोतल के लिए लड़ रही है, कुछ दे दे वो दूसरे वाली बोतल दे दे निकाल के, कोई बात नहीं दे दे निकाल के। आज तूफान की वजह से ना आँखों में इतना ज्यादा दर्द है, डस्ट वस्ट चली गई है, बहुत भयंकर चल रहा है, मतलब आंधी नहीं आ रही है लेकिन हवा ना वो चारों दिशाओं की चल रही है, राइट से लेफ्ट से दाएं बाएं सब जगह से, तो परेशान कर रखा था। अभी ये देखो ये मैनी मैनी पानी, बढ़िया मिल गया पानी की बोतल, मैनी मैनी ये एनर्जी देख रहे हो, रात के 11 बजे में है ये बच्चे, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक सोते नहीं। मैनी क्या हुआ, मैनी तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, वीडियो लगा हो अच्छा तो वीडियो करते हैं लाइक, दोस्तों को करते शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो मुंह बना रही है, क्या हुआ नहीं अच्छा लगा क्या, तो डिसलाइक करें, मैं लेके आया हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेके आया किसी के लिए, आज लेट हो गया था ना।